आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आज हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट्स के बाद में एक थ्योरम और उसका डेरिवेशन करेंगे, बैरिग्नल्स थ्योरम। फिर उसके बाद कपल के बारे में समझेंगे कि ये कपल क्या चीज होती है, कपल ऑफ अ फोर्स। एंड देन देर आर टू सब्सिडियरी टॉपिक्स, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू फोर्स एंड कपल, रिडक्शन ऑफ अ फोर्स कपल सिस्टम टू अ सिंगल फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझेंगे, कैसे बनाना है उसको समझेंगे, इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है फोर्सेस का और उसकी कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें सीखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, अब मैं आप में से लेटेस्ट से अभिषेक तिवारी सुन रहे हो क्या बेटे आप? अभिषेक तिवारी, यस सर। आपको मोमेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में कोई भी जानकारी है, कोई आइडिया है? आपने पिछले क्लासेस में कहीं पे पढ़ा है? सर ऐसे सिर्फ प्रॉपरली नहीं पता सर। अच्छा, इसके बारे में आइडिया नहीं है। कोई एक लड़का ऐसा है अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो मोमेंट के बारे में, वो अपना माइक्रोफोन ऑन करके बात करके बता सकता है? सर मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क होता है। हेलो, हाँ बताओ। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन एक्सप्लेन कर देगा, उसको मोमेंट बोलते हैं कि मतलब कि उसका पोजीशन कहाँ पे है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एसर्टेन करने के लिए? हाँ नहीं, ये तो नहीं है मोमेंट। सर इसे डोर को भी कह सकते सर। ठीक है, डोर को आप ओपन करना चाहते हो, ये बात बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत रिलेशन है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, इसने किया है। ठीक है भाई, ये क्लासरूम में जो जो अभी भी बिना एसकेआईटी के आईडी के ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज योर लास्ट चांस। अभी आप सुन लीजिए, ये देखिए एक अमन शर्मा है, आई एम एडमिटिंग टुडे बट दिस इज योर लास्ट चांस। ठीक है अमन शर्मा, कहाँ गया अमन? अभी तो ऐड किया था। अमन, अमन शर्मा, अमन आप नेक्स्ट टाइम से एसकेआईटी के आईडी से आप मीटिंग में आइए। ठीक है? ओके सर, आज मैंने अलाउ कर दिया, नेक्स्ट टाइम से कम थ्रू एसकेआईटी आईडी ओनली, एडमिट नहीं करूंगा मैं अगर आप पर्सनल आईडी से ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो। सर वहां पे वो ओपन नहीं हो रहा है। किसमें? आप जो मीट का जो ऐप आपने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ है ना? हाँ सर। उसमें आपने पर्सनल आईडी से उस पे लॉग्ड इन हो, आप उसमें लॉग आउट हो जाओ और अपने एसकेआईटी के आईडी से उसमें लॉग इन करो। ओके सर। ठीक है, अब अपन एक बार स्टार्टिंग से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या चीज है। ठीक है, मोमेंट के लिए सबसे पहली बात तो है आपको एक वेक्टर चाहिए, और चूंकि हम यहां पर अभी एक फोर्स की बात कर रहे हैं तो अपन एक वेक्टर ले लेते हैं, फोर्स एफ। अब आपसे यह कहा गया कि इस फोर्स का मोमेंट निकालो, तो पहली बात तो है ये क्वेश्चन ही अधूरा है। आपसे अगर कोई कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, तो आप सीधे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोले कि साहब मोमेंट निकालें तो किसके अबाउट निकालें? तो अलोंग विद द फोर्स फॉर विच यू हैव टू फाइंड द मोमेंट, यू हैव टू बी गिवन अ पॉइंट ऑल्सो। तो आपको बोला कि चलो ये अभी एक प्लेन है, ये पेपर जो आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या एक्स जेड प्लेन, कुछ भी हो, एक प्लेन है। उस प्लेन पे एक पॉइंट पड़ा है, लेट अस से द पॉइंट इज ओ।
और उस ओ पॉइंट से कुछ दूरी से एक फोर्स वेक्टर बना करके इस प्लेन पर ही रखा हुआ है। तो ये फोर्स वेक्टर भी इस प्लेन पर है और ये पॉइंट ओ भी इस प्लेन पर है। और उसके बाद आपसे अब इस क्वेश्चन को रिफ्रेज किया गया। पहले क्वेश्चन क्या पूछा था कि फोर्स एफ का मोमेंट निकालो, मोमेंट एम ओ एम ई एन टी मोमेंट। बोला कि साहब मोमेंट ऑफ अ फोर्स निकालने के लिए एक पॉइंट भी देना पड़ेगा आपको। फिर आप क्वेश्चन को वापस से ऐसे पूछो कि ओ पॉइंट के अबाउट एफ वेक्टर का मोमेंट बताओ, तब ये क्वेश्चन वैलिड है। तो अब आपको क्या करना है, बोला कि ठीक है अब मेरे पास पॉइंट आ गया और वेक्टर आ गया, अब मैं इस पॉइंट से इस फोर्स वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ठीक है, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे कि आप इस पॉइंट ओ से इस वेक्टर को किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना करके ऐसी इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो जो कि ओ पॉइंट से तो निकले और जाकर के टच करे एफ वेक्टर को। एफ वेक्टर देखो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म हो जाता है, इसके आगे पीछे नहीं है। इसके आगे पीछे इसका लाइन ऑफ एक्शन जरूर मिलेगा आपको। लाइन ऑफ एक्शन की बात अपन ने पिछले क्लासेस में की थी। लाइन ऑफ एक्शन इज द इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स वेक्टर इन बोथ डायरेक्शंस। लेकिन फोर्स वेक्टर सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही है, और अगर ये बोला जाए कि ओ पॉइंट से एफ वेक्टर को ज्वाइन करो कोई लाइन खींच के, तो उसके इनफाइनाइट तरीके हैं। लेकिन ओ पॉइंट से एफ वेक्टर तक परपेंडिकुलर खींचने के कितने तरीके हैं? वन। एक इकलौता तरीका है। इस एक परपेंडिकुलर के अलावा आपको ओ पॉइंट से एफ की तरफ जाने वाला और कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। देयर इज ओनली वन सिंगुलर वे। सो लेट अस से दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट ओ फ्रॉम द फोर्स वेक्टर एफ इज डी। ठीक है, और ये मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको अपन जनरली नोटेशन के तौर पे यूज करने के लिए एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ, तो आप लिखोगे द मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ये याद रखना है कि ये जो डी डिस्टेंस आपने ली है ये कंपल्सरीली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू फोर्स एफ। और इसके जो इनफाइनाइट अदर तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के, वो सब भी डिस्टेंस बना लेंगे। जैसे कि ओ से मैंने एक ये लाइन खींची तो ये भी एक डिस्टेंस है, लेट अस से कैपिटल डी। एक दूसरी लाइन खींची लेट अस से कैपिटल ई, तो ये सारी चीजें भी डिस्टेंस के तौर पे कैलकुलेट होती है। लेकिन इन डिस्टेंसेस का फोर्स से प्रोडक्ट निकालोगे तो वो मोमेंट नहीं है। द मोमेंट हैज टू बी कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इन अदर वर्ड्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फोर्स की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है। ये बोलता है कि भाई एक पॉइंट है ओ, और अब मैंने एक रैंडम वेक्टर बना दिया यहां से स्टार्ट करके यहां। अब ये देखो ये फोर्स वेक्टर मैंने यहां पे बनाया है और पॉइंट ओ यहां पर है। अब वापस से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है सर, परपेंडिकुलर तो बनेगा ही नहीं सर। हाँ, अब यही मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझो कि कैसे मोमेंट। आप इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो इमेजिनरी तौर पे कहीं पे भी आप बना सकते हो, कहीं पे भी एक्सटेंशन कर सकते हो। और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स को अगर आप पढ़ें, जो कि आपके फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था, तो वो लॉ कहता है कि आप इस वेक्टर को जो एक्चुअली सिर्फ यहां से स्टार्ट होता है यहां खत्म हो जाता है, इसको अपने लाइन ऑफ एक्शन पे आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो आपको इस लाइन ऑफ एक्शन पे इस फोर्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करने का अधिकार है। अधिकार क्या नहीं है
कि इसको उठा करके किसी दूसरी लाइन ऑफ एक्शन पे लगा दिया जाए। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसके पैरेलल ले जा करके इसको उखाड़ करके यहां लगा दिया, दिस इज नॉट अलाउड। बट यू कैन शिफ्ट दिस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, और जब आपको इसको शिफ्ट करने का अधिकार है तो इस फोर्स को इस ओ पॉइंट के नीचे लाके भी खड़ा कर सकते हो, और उसके बाद इस लाइन ऑफ एक्शन पर ही आप परपेंडिकुलर बना दो। ये परपेंडिकुलर बना तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ओ पॉइंट की एफ वेक्टर के ऊपर पड़ने वाली, ठीक है। एंड नाउ द मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली एज एफ इंटू डी। लेकिन अब अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलें मोमेंट की। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड द फोर्स इटसेल्फ, तो एफ इंटू डी मोमेंट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स ये कहता है कि फोर्स का जो टेल है उधर तक ओ पॉइंट से एक लाइन कनेक्ट करो। तो ये बता रहा है कि इस फोर्स की पोजीशन क्या है। सो आर इज नाउ डिफाइंड एज अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर वेक्टर फोर्स एफ। तो फोर्स भी एक वेक्टर है, और फोर्स की शुरुआती पॉइंट को दर्शाने वाला ये जो डायरेक्शन है ये एक डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है, और इसको अपन आर वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ये मीटर में आता है, एफ वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ये न्यूटन में आता है। और अब उसके बाद मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि जो मोमेंट है आपका वो भी एक वेक्टर है, एंड दैट इज गिवन मैथमेटिकली एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द फोर्स वेक्टर इटसेल्फ। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो M इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों ने सबने सुना है, 11th या 12th क्लास में आपने मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा है। तो अगर मैं इस R क्रॉस F को एक्सपेंड करूं देन आई कैन राइट माय मोमेंट वेक्टर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ R मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये पूरी डेफिनेशन हो गई मोमेंट की। अब अगर मैं इन सारी चीजों को समझाने बैठूं, जो कि कायदे से करना भी चाहिए, तो इसमें अपने 10 मिनट और खराब हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपके बहुत ही कम काम आती है, तो इसीलिए ये टास्क मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आज के लेक्चर के बाद इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड ही कैन एक्सटेंड और टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, या मेरे साथ एक एक्स्ट्रा गूगल मीटिंग कर ले आज के आपके सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद, और वो अपनी खुद की इच्छा की आपूर्ति करे कि भाई सर हमें ये भी समझना है कि ये मोमेंट जो है इसमें ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये साइन थीटा, ये सारी चीजें कहां से फिट होती है इसके डेफिनेशन में। लेकिन मैकेनिक्स में आपको जितना काम आना है वो काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। हेलो सर, स्क्रीन फ्रीज हो गई। सबको पता है, चुप रहे थोड़ी देर। अगर कुछ जाने बोल रहा है बीच में ना बोल। और क्या कर रहा है? मुझे कह रहा है कि अरे आदित्य तूने ढूंढा क्या? क्या उससे कुछ बोला था? क्या बोला था? हाँ भूल गया ना।
अरे तेरे लिए लूंगा, 3 लूंगा बोल। अरे 3 का क्या करेगा भाई, 4 लाना, 4 तो क्या मैं 4 लूंगा। अच्छा अरे तू चल निकल बीच में ना बोल। अरे ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल रुक जाना। अरे ब्लैक पर्ल, अरे फिर ओ टेली टीचर कहां गया? टेली टेली आ गई। टीचर कहां गया? हां बोल टीचर कहां? टीचर पता नहीं कहां बन है। हां मैं पढ़ाऊं तो क्या पढ़ोगे? बच्चा पूछ क्या पढ़ना है गांडू। थैली गोसरी वाले। अरे रिकॉर्डिंग चालू है साले। पूरी बेटी अरे ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। आमिर का पुनः इस्तेमाल करें। गया आमिर। और कर तेली तेली प्लान हो जाओ भाई। बातें बंद कर दो आप, बीच में मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। प्लीज कम बैक टू द लेक्चर नाउ। हाँ अमन शर्मा एक बार मेरे को बताओ, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। वापस से ये पीडीएफ दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा था कि मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप किसी मोमेंट की डेफिनेशन लें तो इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब आपको ये भी मैंने बताया कि मैकेनिक्स के लिए आपका इतना डेफिनेशन काफी है, दिस फ्रिवलस नॉलेज इज इनफ फॉर मैकेनिक्स, कि अगर कोई भी फोर्स वेक्टर दे रखा है और कहीं पर भी एक पॉइंट बना रखा है तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का है और एफ इंटू डी जो है दैट बिकम्स योर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट। तो ये वाली डेफिनेशन सिर्फ मोमेंट का मैग्नीट्यूड देगी, मोमेंट का डायरेक्शन नहीं देगी। अब अपन मोमेंट के डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ते। ठीक है, एक फोर्स वेक्टर रहा और पॉइंट दे दिया यहां पे को। ठीक है, आपको पता है क्या करना है, ओ पॉइंट से वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इसके डिस्टेंस को पता करना है। लेट अस से द डिस्टेंस इज डी, तो मोमेंट जो है दैट विल बी एफ इनटू डी या डी इनटू एफ। ठीक है, अब मोमेंट या तो आपका क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग सब समझते ही हैं। इस रोटेशन के डायरेक्शन को देखिए, ये क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहा है, सो दिस इज क्लॉकवाइज, और ये क्लॉक की दिशा के उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और इन जनरल काउंटर क्लॉकवाइज। किताबों में आपको CCW नाम से मिलेगा, विच इज रिप्रेजेंटिंग काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब ये जो मोमेंट है आपका, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ओ पॉइंट ये रहा और ओ पॉइंट से इतनी दूरी पे ये फोर्स पास हो रही है और इस फोर्स का ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो है वो डी इंटू एफ है। ठीक है, अब अपन को ये पता करना है
कि ये जो मोमेंट है ये काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, क्योंकि मोमेंट्स का जो रोल होता है किसी भी मैकेनिक्स की, किसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में, वो रोटेशन कॉज करने का होता है। अब क्लास की स्टार्टिंग में किसी ने मेरे को ये एक एग्जांपल दिया था, जब मैंने पूछा कि भाई मोमेंट का एक एग्जांपल दो, तो उन्होंने कहा था कि भाई एक दरवाजे का एग्जांपल दिया, भाई जैसे ये एक दरवाजा है, ये दीवार है, यहां पे दरवाजे के कब्जे लगे हुए हैं, हिंजेस ऑफ द डोर, यहां पे दरवाजे का हैंडल है, ये दरवाजे का हैंडल रहा। अब कोई भी आदमी आकर के इस हैंडल को अगर पीछे की तरफ को खींचता है तो ये दरवाजा जो है ये इस तरीके से रोटेट होता है। ये समझ में आया आपको फिगर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको एक चीज सबसे पहले ये समझ लेनी है कि ये मोमेंट नाम की जो चीज है इसका नाता रिश्ता प्योर रोटेशन से है। तो अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का मोमेंट निकाल रहे हैं तो अननोइंगली क्या निकाल रहे हो, उस फोर्स के कारण रोटेशन को पैदा करने की क्षमता, उसी को मोमेंट कहा जाता है। अदरवाइज एक फोर्स का प्योर रोल क्या है, एक फोर्स का जो रोल है वो या तो पुश करना है या पुल करना है, ठीक है। लेकिन मोमेंट का रोल क्या है, किसी फोर्स के कारण किसी चीज को घुमाव देना या रोटेशन देना। तो जैसे हिंजेस के अबाउट आपका डोर रोटेट होता हुआ खुलता है, ठीक है, आप कोई टेबल पे एक रॉड ऐसे खाली रख दो, ठीक है, और उस रॉड को कोने से एक पुश दो, तो ये रॉड कैसे करेगी? आप अभी अपने घर के ऊपर भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने पेन को टेबल पर रख दो, पेन को टेबल पर रखने के बाद उस पेन के कोने पर एक ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, अपने फिंगर से उसको पुश करो, तो आपका पेन जो है वो ऐसे सीधा नहीं चलता, आपका पेन जो है वो यहां से ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ अ मोमेंट। तो अब अपन ये समझना चाहते हैं कि मैं अगर आपको एक फोर्स दे दूं और एक पॉइंट दे दूं तो इसका जो रोटेशन है इस फोर्स का वो काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये कैसे पता करना है, ठीक है। इसको पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, क्योंकि इवन एडवांस क्लासेस में जाकर के भी स्टूडेंट्स को इस चीज पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मोमेंट आपका क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है, दे डोंट नो हाउ टू फाइंड इट आउट। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा एक एनालॉजी देकर के मैं समझाता हूं जिससे कि आपको याद रखना आसान होगा, हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आपको इस एनालॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इंट्यूटिवली किसी भी फोर्स को और पॉइंट को देख करके ऑटोमेटिकली ये गेस करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब सबसे पहले इस फिगर को वापस से ध्यान से देखो, लुक एट दिस फिगर। अब अज्यूम करो कि ये जो एफ वेक्टर है ये एक रॉकेट है, ठीक है, ये अपन दीपावली में रॉकेट पटाखे बम खरीद के लाते ना, तो रॉकेट का जो हेड है वो ये वेक्टर है और रॉकेट का टेल जो है वो ये है। अब अगर टेल पे अगर मैं आग लगा दूं तो ये वेक्टर किधर को जाएगा, सीधे जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, भाई रॉकेट किधर को जाता है, जहां पे उसका हेड पॉइंट आउट करता है उसी डायरेक्शन में रॉकेट उड़ता है। लेकिन अब एक एडिशनल काम और कर दिया आपने, इस रॉकेट के बीच में से एक धागा लिया और इस धागे को दीवार पे एक कील से लटका दिया। तो अब आप बेसिकली कर क्या रहे हो, दीवार पे एक कील थी, उस कील से एक धागा लटकाया और उस धागे पे इस फोर्स को यानी कि इस रॉकेट को हॉरिजॉन्टली बांध दिया और इस रॉकेट के पीछे आग लगा दी। अब ये रॉकेट कैसे बिहेव करेगा, कोई मेरे को ये बताओ कि क्या ये सीधा उड़ नहीं पाएगा, ये क्या करेगा, क्योंकि आपने धागा बांध करके इसको कंस्ट्रेन कर दिया है तो ये रॉकेट जो है ये इस तरह का एक सर्कुलर मोशन फॉलो करना स्टार्ट कर देगा और जब तक इसमें बारूद है तब तक ये इस तरीके से घूमेगा और ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है।
अब इस एनालॉजी को यूज करते हुए आप लोग अपने आप माइक चालू ना करें, मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट से पूछूंगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सिर्फ वही जवाब दें। ये रॉकेट और धागे की एनालॉजी को यूज करके आपको जवाब देना है कि मैं जो फोर्स और पॉइंट दे रहा हूं उसके अबाउट मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, पॉइंट ओ ये रहा, फोर्स ये रहा, ठीक है। ओ के लेफ्ट साइड में है फोर्स और अपवर्ड फेसिंग वेक्टर है। अजय पाल सिंह बताओ कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज मोमेंट है? सर क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। कैसे पता लगा? अपन अपना रॉकेट के एनालॉजी यूज करके यहां से धागा बांधेंगे, ये परपेंडिकुलर रहा, और अब इसको पीछे से जब आप आग लगाओगे तो ये रॉकेट जो है बंधा होने के कारण इस पॉइंट के अबाउट ऐसे चक्कर लगाएगा और ये डायरेक्शन होगा इसका, एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स वेक्टर ये रहा, पॉइंट ये रहा, दिस इज योर फोर्स वेक्टर, दिस इज योर पॉइंट ओ। नाउ लेट अस सी, अखिल शर्मा बताइए काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा बताया आपने? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही। वंस अगेन लुकिंग एट द एनालॉजी, इसको इससे कनेक्ट किया परपेंडिकुलर, ये धागा है और इधर से आपने पीछे से आग लगाई तो ये रॉकेट जो है ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी मैं ये मानता हूं कि एनालॉजी के साथ में अब मैं आपको कहीं पर भी फोर्स और पॉइंट दे दूं तो आप उस मोमेंट का डायरेक्शन और उस मोमेंट की मैग्नीट्यूड इंट्यूटिवली अब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपने मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। बाकी आपके लिए नोट्स मैंने थोड़े से यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं जिसमें आपको फिगर्स मिलेंगे, रिटन कंटेंट मिल जाएगा, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अब अपन एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस फिगर को देखिए, 15 न्यूटन की फोर्स एक लीवर पे या दरवाजे पे लगाई जा रही है, ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग, और पॉइंट ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट? कोई भी बता दो। 12। कैसे पता लगा? 15 × 0.8, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ मोमेंट की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। 15 की यूनिट तो न्यूटन है, 0.8 की यूनिट मीटर है, और ये प्रोडक्ट हो रहा है तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन - मीटर। जनरली अपन न्यूटन मीटर से बताते हैं, कुछ किताबें इसको सिर्फ N.M भी लिख देते हैं, न्यूटन पर मीटर मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो मोमेंट है 15 × 0.8 का न्यूटन मीटर में, ये काउंटर क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज सर। दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब देखो, आप पहली बार, या हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, बट इन यूसेज आप एक तरह से, आपके लिए नया है मोमेंट का कॉन्सेप्ट, और मोमेंट आपको ये पता लग गया कि रोटेशन के लिए ही यूज में आता है, इट इज यूज फॉर रोटेशन। हालांकि प्रोड्यूस वो फोर्स के कारण होता है, लेकिन उसका इफेक्ट रोटेशन में है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक फोर्स है 3 न्यूटन, एक दूसरी फोर्स है 2 न्यूटन, तो आप इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स पे माइनस साइन को प्रेफर करोगे? -2 न्यूटन वाली सर, -2 न्यूटन। ये आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग अधिकतर मेजॉरिटी लोग इसी के सपोर्ट में है और आंसर भी सही है। तो अगर मैं लेफ्ट को जाती हुई फोर्स को 2 न्यूटन की मैग्नीट्यूड देता हूं तो आप ये लिखोगे कि द फोर्स इज -2 न्यूटन,
और राइट की फोर्स को अगर 3 न्यूटन मैग्नीट्यूड दिया तो आप लिखोगे कि दिस इज प्लस 3 न्यूटन. ये क्यों किया आपने? कैन एनीबॉडी टेल मी अ रीजन? क्या इस पे कोई पाबंदी है कि मैं राइट साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव नहीं मान सकता? किसने कहा आपको कि राइट साइड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है? क्या ये संसार का कोई नियम है? क्या ये फिजिक्स का कोई लॉ है? नहीं है, ये मान्यता है. दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशन. तो कन्वेंशन के तौर पे अपन राइट साइड की फोर्सेस को या राइट साइड की वेक्टर्स को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड की वेक्टर्स को नेगेटिव लेते हैं. उसी तरीके से अपवर्ड वेक्टर्स जो हैं, अपवर्ड वेक्टर्स को पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड वेक्टर्स को नेगेटिव लिया जाता है. ये चीजें कैसे आपको पता लगी हैं? ये क्यों आपने याद की है? क्योंकि ये साइंटिफिक कम्युनिटी की मान्यता है. यानी कि पूरा साइंस कम्युनिटी, पूरे संसार का एक साथ मिलकर के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई लोगों, हम सब मिलकर के ये आज से मानेंगे कि ऊपर की और राइट साइड की फोर्सेस पॉजिटिव हैं और नीचे की और लेफ्ट साइड की फोर्सेस नेगेटिव हैं. तो ये सिर्फ एक मान्यता है. तो अब अपने को एक मान्यता ये भी चाहिए कि आपके पास में मोमेंट या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है. तो अब साइंटिफिक कम्युनिटी में इसके ऊपर भी एक छोटी सी मान्यता होती है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो हैं उसको नेगेटिव लिखें और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो हैं उसको पॉजिटिव लिखें. दिस इज अगेन अ कन्वेंशन ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी. लेकिन अगर कोई पागल साइंटिस्ट एकदम से खड़ा होकर के बोले कि नहीं, आज से मैं इसका उल्टा मानूंगा कि भाई क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना चाहता हूं और काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना चाहता हूं, तो उससे कोई भी लॉ ऑफ फिजिक्स वायलेट नहीं होती है. बस क्या फर्क पड़ेगा कि बाकी के लोगों की मैथमेटिक्स और इस पागल साइंटिस्ट की मैथमेटिक्स आपस में मैच नहीं करेगी. दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इट विल मेक. अदरवाइज ये जो साइन कन्वेंशन हैं ये सिर्फ मान्यताएं हैं. लेकिन हमारा फायदा किसमें है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी मानती है हम भी वही याद रखें और उसी को फॉलो करें. तो अब से आप लोग किस चीज को फॉलो करोगे? कभी भी अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक गोला बना करके अगर मैं ऐसा एक फिगर बनाऊं और इसी तरीके से एक रोटेशनल फिगर बना करके ऐसा बनाऊं, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, ये तो हो गया काउंटर क्लॉकवाइज. और अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों पे एक प्लस और माइनस साइन लगाओ कि इन दोनों में से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है, तो ये तो है माइनस और ये है प्लस. नाउ एक्सटेंडिंग दिस लॉजिक अ लिटिल फर्दर, अगर मैं आपको इस तरह का फिगर कुछ ना बना करके आपको सीधे मैथमेटिकल एक फिगर दूं, मेक अ मोमेंट ऑफ माइनस टू न्यूटन मीटर का एक मोमेंट ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप सिर्फ एक पेपर ले लो, एक क्लॉकवाइज इमेज बनाओ और इस पे लिख दो 2 न्यूटन मीटर. बस ये हो गया माइनस 2 न्यूटन मीटर का मोमेंट. ठीक है, आपसे कहा गया कि प्लस 5 न्यूटन मीटर मोमेंट बना के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक फिगर बनाओ और उस पे लिख दो 5 न्यूटन मीटर. ये साइन कन्वेंशंस आपको समझ में आ गई क्या? यस सर. तो अपन ने अभी मोमेंट्स के बारे में समझ लिया, ये समझ लिया कि मोमेंट पैदा तो फोर्स के कारण होता है, एक फोर्स चाहिए मोमेंट बनाने के लिए, लेकिन मोमेंट एक्चुअली है क्या? वो उस फोर्स के कारण जनरेट होने वाला रोटेशनल इफेक्ट है. वेक्टर फॉर्म में मोमेंट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है. भाई क्रॉस प्रोडक्ट में एक और चीज याद रखनी है, आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर. ये पता है क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में? यस सर. इसका डायरेक्शन चेंज होता है इससे, तो इसलिए आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मोमेंट को याद रखना है तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि एफ को गलती से भी पहले मत लगाना, आर को पहले लिखना पड़ेगा. दिस आर इज रिप्रेजेंटिंग द आर वेक्टर, दिस एफ इज रिप्रेजेंटिंग द एफ वेक्टर. तो आर पहले लिखना है फिर क्रॉस लगा करके एफ लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे याद रखना है आपको.
अब अपन आगे चलते हैं मोमेंट्स की पढ़ाई में। आप में से जिसको भी इस अगले क्वेश्चन का जवाब आता हो, एक सेकंड सोचना फिर जवाब देना, फटाक से आंसर मत देना, ठीक है? पॉइंट ओ, फोर्स एफ। लेकिन अब की बार ये पॉइंट ओ के अंदर से पास हो रहा है फोर्स एफ का लाइन ऑफ एक्शन। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट जीरो जीरो? वेरी गुड, जीरो 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 न्यूटन मीटर। कैसे पता लगा आपको ये जीरो होगा? जीरो होगा सर, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है भाई। आपको मोमेंट निकालने के लिए फोर्स और ओ पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर फोर्स खुद ही अगर ओ पॉइंट से पास हो रही हो तो फिर उस फोर्स का ओ पॉइंट से डिस्टेंस जीरो हो गया। तो डिस्टेंस जीरो होने के कारण उसका मोमेंट जीरो होता है। तो अब एक ये छोटा सा इंट्यूटिव एक्शन जो आपने अभी सीखा है, इसको माइंड में फिक्स करके रख लो। कभी भी अगर मैं आपको तीन चार फोर्सेस ऐसे रैंडमली बना के दिखा दूं, और अगर कोई भी फोर्स अगर किस गिवन पॉइंट के अंदर से ही पास हो रही हो तो उसका मोमेंट हमेशा जीरो होगा, ठीक है? ओके, अब अपन इस वाले पे आने से पहले बैरिग्नन्स थ्योरम समझ लेते हैं। बैरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पे इंग्लिश में दिया हुआ है, उसका फिगर बना हुआ है और उसकी छोटी सी डेरिवेशन यहां पर आपको प्रेजेंट करके दे रखी है। तो ये जो चीज है ये आप देख लेना, मैं आपको अभी फिजिकली समझा देता हूं कि बैरिग्नन्स थ्योरम क्या चीज है, ठीक है? बैरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि कोई तीन चार फोर्सेस एक प्लेन पे मौजूद हैं, एक प्लेन पे होनी चाहिए, ठीक है? सारी की सारी देखो, F1, F2, F3, F4, ये चार फोर्सेस इन्होंने ली हैं और ये कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे पड़ी हुई फोर्स। लेकिन सिर्फ एक प्लेन पे पड़ी हुई फोर्सेस तो कितनी भी बना सकते हो। ये मैंने एक बनाया, ये दूसरा बनाया और ये तीसरा बनाया, ये तीनों भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं। लेकिन क्या ये कौन करंट है? क्या कॉन करंट होने का क्या मतलब होता है? ये देखो, देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन करंट। कॉन करंट का मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस आपने बनाई है वो सारी एक ही पॉइंट से भी पास होनी चाहिए। तो यहां पर जो तीन फोर्सेस मैंने बनाई है ये कोप्लेनर तो हैं, लेकिन कॉन करंट नहीं है। लेकिन यहां वाली जो चार फोर्सेस हैं, क्या ये कॉन करंट भी है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, ये कोप्लेनर भी है और कॉन करंट भी है, ठीक है? तो बैरिग्नन्स थ्योरम के लिए सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये थ्योरम सिर्फ कोप्लेनर एंड कॉनकरंट फोर्सेस पर ही लागू होती है। तो अगर मैं बैरिग्नन्स थ्योरम इन तीन फोर्सेस पर लगाने की कोशिश करूं तो वो गलत हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो ये चालू ही होता है फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ कॉनकरंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है? अब ये बैरिग्नन्स थ्योरम मोमेंट्स की बात करता है। अब इसने बोला कि एक ओ पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो उसी प्लेन में जिस प्लेन पर ये सारी फोर्सेस हैं, ठीक है? और ये सारी फोर्सेस कॉनकरेंट भी है, ए पॉइंट से पास हो रही है, और ये एक इस ये जो ऑब्जेक्ट बना रखा है ये शेडेड पार्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है ये चारों फोर्सेस। तो वैरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि आप इसी प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लो ओ, वो पॉइंट ओ जरूरी भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है? अब इसका क्या सीन है, बैरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि क्या मैं F1 फोर्स का ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल सकता हूं क्या? बोले बिल्कुल निकाल सकते हो, ये लो इसकी दूरी कितनी है भाई। चूंकि ये सारे के सारे फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं तो अगर मैं किसी भी फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना चाहूं तो ओ से मैं ए को एक लाइन कनेक्ट करके ये जो वेक्टर है यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया चारों के लिए। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि मोमेंट ड्यू टू फर्स्ट फोर्स एफ वन कितनी है, तो मैं वेक्टर नोटेशन में क्या ये लिख सकता हूं, इट इज आर क्रॉस एफ वन। यस सर,
सेकंड फोर्स की मोमेंट ओ पॉइंट के अबाउट कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही आ रही है, तो आर क्रॉस एफ टू उसी तरीके से R क्रॉस F1, R क्रॉस F2, R क्रॉस F3 एंड डैश डैश डैश। यहां तो चार फोर्सेस दिखा रखी है लेकिन वैरिग्नस थ्योरम एनी नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, तो चार की बजाय 15-20 भी हो लेकिन वो सारे के सारे कॉन्करेंट और कोप्लेनर हो, तो मोमेंट्स जो हैं ओ पॉइंट के अबाउट इन सारे वेक्टर्स का कितना होगा, R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इन सारे फोर्सेस के कारण जो मोमेंट है उनको ऐड कर रहे हो, ये वेक्टर एडिशन है। एनीवे अब वेक्टर एडिशन जब आपने इस तरह से कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, चूंकि R कॉमन है तो R को आपने कॉमनली बाहर निकाल लिया और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस कर दिया। अब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होता है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। जो रिजल्टेंट अपन ने सीखा था किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, जैसे ये बताया था ना, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, अब इसका रिजल्टेंट निकालो इन सारे फोर्सेस का, इन सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकल के आएगा आर। और ये आर क्या होता है, ये आर जो है ये वेक्टर सम ही होता है इन फोर्सेस का। अगर वेक्टर नोटेशन में बताया जाए तो दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो अगर कहीं पर भी अगर वेक्टर नोटेशन में F1 प्लस F2 प्लस F3 लिखें तो आप उसको इक्वल टू रिजल्टेंट R वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब यहां पर अपने डेरिवेशन में F1 F2 F3 जो था इसको रिप्लेस कर दिया R से, तो अब ये क्या बोल रहा है कि इन सारे फोर्सेस के मोमेंट्स को O पॉइंट के अबाउट अगर मैं ऐड करूं तो वो मोमेंट एक अकेले रिजल्टेंट का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर है। तो वैरिग्नस थ्योरम का स्टेटमेंट अब एक बार वापस से यहां से पढ़ लो, द मोमेंट ऑफ सेवरल कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ओ इन देयर प्लेन इक्वल्स द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ। एक और बार रिपीट करता हूं, अगर पहले वाली बात नहीं समझ में आई या फिर ये इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, ये कहता है वैरिग्नस थ्योरम कि अगर एक प्लेन पे खूब सारी कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस पड़ी हो तो उन सारी फोर्सेस के मोमेंट्स निकाल लो एक एक करके एक सिंगल पॉइंट ओ के अबाउट, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस प्लेन पे, और उन सारी मोमेंट्स को आप ऐड कर दो, तो जो आंसर आएगा यानी कि एक अकेला मोमेंट की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर होगी, वो उसके बराबर होगी कि आप इन सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली लेने की बजाय इनका एक रिजल्टेंट आर ले लो और इस अकेले इकलौते R वेक्टर का O पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट निकाल लो। तो अकेले R का मोमेंट निकालना या फिर इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट निकाल के उनको जोड़ देना एक ही बात है, ये कहता है वैरिग्नस थ्योरम। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या आपको, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैरिग्नस थ्योरम? यस सर। और यहां पर जो मैंने आपको डेरिवेशन दे रखा है, देखो आप दूसरी किताबें रेफर करोगे, इवन आप अपनी भाविकट्टी की बुक भी रेफर करोगे तो उसमें वैरिग्नस थ्योरम का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, उसमें वो ज्योमेट्री वोमेट्री बना के परपेंडिकुलर लाइन बना के बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आप लोगों के लिए बेटर ये है कि आप लोग ये फिगर बनाए और ये सिंपल से डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में ये आराम से डेरिवेशन हो जाता है और ये जो फाइनल रिजल्ट है कि R क्रॉस F1, R क्रॉस F2, यानी कि ये इंडिविजुअल मोमेंट्स का सम जो है वो आपके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर है, ये इसको प्रूव कर दो, ये तीन लाइन का डेरिवेशन है। सो गो फॉर द डेरिवेशन गिवन इन माय नोट्स, ठीक है, रादर देन रेफरिंग टू द डेरिवेशन ऑफ भाविकट्टी बुक दैट आई हैव गिवन टू यू, तो उसमें से डेरिवेशन मत करो, ये डेरिवेशन आपको याद कर लेना है। वैरिग्नस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सिंपल सा है एक थ्योरम लेकिन बहुत बार आरटीयू में repeatedly पूछा जा चुका है, so you should know how to express this whole content in your own words and put up the derivation also. अब इस पे वापस आते हैं, look at this figure, ठीक है? ये आपने अभी solve किया था कि अगर एक 15 न्यूटन की फोर्स इस लीवर पे perpendicular लग रही हो तब तो ये 15 × 0.8 हो गया, लेकिन अगर मैं 15 न्यूटन की फोर्स को परपेंडिकुलर लगाने के बजाय ऐसे इंक्लाइन 60 डिग्री पे लगाऊं
कंपोनेंट्स। तो इसकी मोमेंट कैसे निकालूंगा? अब देखो सर कंपोनेंट, अब बिल्कुल सही कहा। अब मैं इधर आपके बैरिंगन्स थ्योरम लगाने जा रहा हूं। ये रही आपकी लीवर, ये हिंज है, दिस इज ओ पॉइंट, यहां पर आपकी फोर्स लग रही है टेडी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। तो वेरिग्नस थ्योरम मेरे को एक ये पावर देता है कि एक फोर्स की मोमेंट निकालनी है ओ पॉइंट के अबाउट, तो एक्चुअली मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करना पड़ेगा और इस ओ पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब मेरे को कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ये डी कहीं से तो निकाल के लाना पड़ेगा, ये बड़ा भारी काम लग रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार यार इसको छोड़ो, आप तो वेरिग्नस थ्योरम लगाओ। कैसे लगाओगे? ये रही आपकी ओ पॉइंट, ये रहा आपका लीवर, ये जो एफ फोर्स आ रही है 60 डिग्री की, क्या मैं इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट नहीं कर सकता क्या? यस सर। इसके दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे? वर्टिकल डाउन एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, ये बनेगा एफ साइन 60, साइन थीटा, एफ साइन 60, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस 60, एफ कॉस 60, एफ कॉस 60। अब मैं वेरिग्नस थ्योरम के बेसिस पे ये कहूंगा पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऐसे निकाल लो, या फिर इस एफ साइन 60 का इसके अबाउट मोमेंट और एफ कॉस 60 का इसके अबाउट मोमेंट इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर दूं, यही कहता है वेरिग्नस। अब मेरे को ये बताओ एफ कॉस 60 फोर्स का अबाउट मोमेंट जीरो, जीरो मोमेंट हो गया जीरो, क्यों? क्योंकि ये फोर्स देखो सीधे ओ के अंदर से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट तो हो गया जीरो। अब कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, इस एफ साइन 60 का मोमेंट निकालना है ओ के अबाउट, और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये 10.38 एफ साइन 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ये समझ में आ गया टेडी फोर्सेस का मोमेंट कैसे निकालते हैं वेरिग्नस थ्योरम की हेल्प से? यस सर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक, कपल। कपल सीधी भाषा में अगर सिर्फ कपल लिखा जाए या फिर कपल ऑफ फोर्स लिखा जाए, एक ही चीज है, कपल ऑफ फोर्स। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। तो कौन से जोड़े की बात की जा रही है? दो जुड़वा फोर्सेस की बात की जा रही है। जुड़वा फोर्सेस का मतलब है एक कपल तब बनता है जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस थोड़ी थोड़ी दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट पे काम करे। तो अब देखो ये एक बैट जैसा, एक लीवर जैसा कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, ये पॉइंट ओ है, और उसके इस पॉइंट पे इन्होंने एक अपवर्ड फोर्स लगा दी और उसको इन्होंने कह दिया माइनस एफ। तो अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने अभी कहा था कि अपवर्ड फोर्स तो पॉजिटिव होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ एक मान्यता है और हर आदमी अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी अपनी मैथमेटिक्स को डेवलप करते टाइम किसी भी दिशा को नेगेटिव मान सकता है। तो यहां पर अगर कोई माइनस एफ लगा रहा है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया, बस वो सिर्फ नॉर्मल एजम्पशंस के विपरीत दिशा में काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। तो लेट अस डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जिस किताब से मैंने ये फोटो कॉपी की है उस किताब का ऑथर अभी टेम्पोररीली इस फोर्स को माइनस एफ मान रहा है, तो इसमें कुछ भी उसने गलत नहीं किया है, बस वो साधारण मान्यताओं से अभी फिलहाल उल्टा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, माइनस एफ ले लो। अब उसके बाद उसने इस फोर्स को प्लस एफ ले लिया, भाई ऑब्वियसली बात है अगर अपवर्ड फोर्स को वो माइनस मान रहा है तो डाउनवर्ड वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसने क्या कहा कि एक फोर्स तो ऊपर है एक फोर्स नीचे है, लेकिन इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे दो फोर्स लगा, लेकिन ये आपस में पैरेलल भी है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पूरे टोटल डायरेक्शन ही इसकी अलग है। दीज हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी।
Now this will constitute a pure rotational effect or what is called as a couple. तो मोमेंट और कपल में फिर क्या फर्क रह गया? आप बोलोगे सर आपने पहले कहा था कि मोमेंट भी रोटेशन कराता है, बिल्कुल कराता है। अब आप बोल रहे होगे कपल है उसमें दो इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक्ट करनी चाहिए, ये कपल हो गया। बोलोगे अब ये भी रोटेशन कॉज कराता है, बिल्कुल ये भी रोटेशन कॉज कराता है। लेकिन कपल और मोमेंट में ये फर्क है कि मोमेंट जो है वो किसी एक फोर्स के कारण लग रहा है और वो जरूरी नहीं है कि उसके कारण कोई रोटेशनल इफेक्ट जनरेट हो ही हो। ये चीज मैं आपको और बाद में इलैबोरेट करूंगा। रादर आप इसके डिफरेंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे जब मोमेंट लगता है तो उसके कारण ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो सकता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे जब कपल लगता है तो उसके कारण ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, उसके कारण सिर्फ प्योर रोटेशन होगा। अच्छा अब मेरे को ये बात बताओ, इस फिगर को देखो, इस फिगर के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है? दो। दो फोर्स लग रही है, एक फोर्स प्लस एफ है और दूसरी फोर्स माइनस एफ है। इन दोनों फोर्सेस को मैं वेक्टर से या किसी भी तरीके से ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा? जीरो। तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है इस पर? जीरो। जीरो फोर्स, जीरो टोटल फोर्स इज जीरो। तो अब लॉ ऑफ मैकेनिक्स या न्यूटन का जो सेकंड सिद्धांत है, सीधी सी बात कहूं वो क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पे टोटल फोर्स ही जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। जीरो यानी कि वो चलेगा ही नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर एक गेंद रख दूं, ठीक है, टेबल पर एक फुटबॉल रख दो आप, और उस फुटबॉल के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे तो एक फोर्स लगाओ एफ, और उस फुटबॉल के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक फोर्स लगाओ एफ नीचे की तरफ, क्या ये एक्सेलरेट नहीं करेगा क्या फुटबॉल? करेगा सर, रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा। तो क्या ये न्यूटन के सिद्धांत का हनन हो गया? इज इट अ वायलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ? नो, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ अब भी लगेगा, लेकिन ये रोटेशनल मैकेनिक्स में लगेगा, लीनियर मैकेनिक्स में नहीं लगेगा। तो इस तरह की अगर दो फोर्सेस आप एक रखी भी फुटबॉल के ऊपर लगाते हो तो वो फुटबॉल ना तो ऊपर चलेगा, ना नीचे को चलेगा, ना साइड को जाएगा, ना लेफ्ट को जाएगा, ये जहां पर है अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन देगा। अच्छा अब ये बताओ ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन में रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये फुटबॉल, ठीक है। अच्छा एक दूसरा कपल बना के दिखाता हूं आपको, वापस से फुटबॉल बना रहा हूं एंड आई एम मेकिंग अनदर कपल। कपल के लिए क्या चाहिए? दो फोर्सेस चाहिए, कपल का मतलब जोड़ा है, तो दो फोर्सेस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट टू इच अदर होनी चाहिए, पैरेलल टू इच अदर होनी चाहिए, एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस चाहिए कपल के लिए। तो मैंने एक फोर्स यहां पर लगाई और मैं अपने नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर रहा, इसको प्लस रख रहा हूं, एक फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ये माइनस एफ हो गई। अब बताओ ये कपल है क्या? दिस इज अ कपल, क्योंकि ये कपल की सारी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। देयर शुड बी टू इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट टू इच अदर, पैरेलल टू इच अदर, एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर बॉल का डायमीटर डी है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? स्मॉल डी, ठीक है। अब इसका कपल कितना हो गया? कपल की वैल्यू इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। आप बोलोगे यार ये तो वही मोमेंट का फॉर्मूला है, और अब मैं कपल के लिए सी नहीं लिख रहा, इसको भी एम ही लिख रहा हूं। इसकी यूनिट कितनी है? वही न्यूटन मीटर है। कपल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इसमें दो फोर्सेस हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस का मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाले तो वो एफ इंटू डी के बराबर ही निकल के आता है। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई एक कपल बना करके दिखा दे, अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, अब मैं सिर्फ दो पर पैरेलल और ऑपोजिट फोर्सेस बना रहा हूं कपल क्रिएट करने के लिए, और वो जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हो, ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है,
तो एक फोर्स रही एफ, दूसरी फोर्स इसी के पैरेलल माइनस एफ, दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, पैरेलल टू इच अदर हैं। आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्केल से नापिए, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही इसके बीच की डिस्टेंस होगी। और आप ये भूले कि इसका कपल की वैल्यू कितनी है, कपल की वैल्यू मोमेंट ही है लेकिन इन दोनों के बीच की एक अकेली डिस्टेंस और एक फोर्स का प्रोडक्ट, दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट नहीं करेंगे। आप ये मत करना कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू फोर्स, वो गलत हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द कपल इज इक्वल टू द मोमेंट वैल्यू जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्सेस एफ मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, और इसका रोटेशन का डायरेक्शन बताओ इस कपल का, ये जहां पर जो फिगर में बना रखा है। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, तो ये एफ डी जो है माइनस एफ डी है कि प्लस एफ डी है? माइनस एफ डी, दिस इज द राइट आंसर। प्लस एफ डी नहीं होगा, प्लस एफ डी ये तब होता अगर ये कपल एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होता। ठीक है, तो अब आपने आज कपल भी सीख लिया, मोमेंट्स भी सीख लिया, अब अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिडक्शन ऑफ फोर्स कपल, फ्री बॉडी डायग्राम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज आज जो अपन ने पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्सेस, इन सब चीजों में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्विट द क्लासरूम। सही, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है ना? बिल्कुल एक ही चीज है। आप टॉर्क जो वर्ड है वो अपन किस चीज के लिए यूज करते हैं? अगर आपको कोई भी शाफ्ट या फ्लाईव्हील या पहिया या गोल वस्तु कहीं पर भी मिलती है तो उसके ऊपर लगने वाले मोमेंट को टॉर्क नाम दिया जाता है। लेकिन अगर अपन किसी लीवर पे, किसी स्ट्रेट रॉड पे आपने यहां से हिंज कर दिया और यहां पर एक फोर्स लगाई तो इसको अपन सिर्फ मोमेंट बोल देते हैं। तो आपने जैसा अभी कहा मोमेंट और टॉर्क एक ही चीज है, दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ, लेकिन सर मोमेंट को तो अपन डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और टॉर्क जो होता है वो आई इनटू अल्फा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। बिल्कुल, वो रोटरी मैकेनिक्स की बात है, वो आपको किसी दूसरी क्लास में या अगर अपन अलग से डिस्कस करें तब मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा ये आई इंटू अल्फा क्या होता है। आई इंटू अल्फा भी एक तरह से मोमेंट ही है। ठीक है, आई इंटू अल्फा की जो यूनिट है दैट इज ऑल्सो न्यूटन मीटर ओनली, नथिंग एल्स। जिस तरह से आप फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं न्यूटन का सिद्धांत बनाने के लिए, उसी तरह से फोर्स को या तो टॉर्क से रिप्लेस किया जाता है या मोमेंट से रिप्लेस किया जाता है। दीज टू आर द सेम थिंग। टॉर्क इज इक्वल टू मास को रिप्लेस कर देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अगर आप टी इज इक्वल टू आई अल्फा लिखने की बजाय अगर आप प्रेफर करो कि मोमेंट इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना चाहता हूं मैं, इसमें कोई गलती नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और सर ये आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी m equals m वेक्टर m equals to r cross f। हाँ ये रहा सर, उसके बारे में आप बता रहे थे कि एक्स्ट्रा क्लास में बताओगे। आप अभी मेरे साथ 5 मिनट रुक सकते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। आप लेकिन अभी आपकी एक दूसरी क्लास भी तो होगी ना? यस सर। Yes, sir. अभी आपकी ये जे ए कौन है, ज्योति अरोरा मैडम के साथ में क्लास है? नहीं सॉरी, सेक्शन ए एन जी, ये है ना आपका, दिस वन मेफा, नितिन गोयल के साथ में क्लास है। तो आप अभी तो फिलहाल ये क्लास अटेंड करो वरना आपकी ये वाली क्लास छूटेगी। ठीक है, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, मैंने आपके साथ में नंबर शेयर कर रखा है, आफ्टर यू फिनिश योर लेक्चर एट 12 PM You can give me a call और मैं आपको telephonically ही explain कर दूंगा सारी चीजें। Thank you sir. Okay.
थैंक यू सर ओके थैंक यू सर